हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हिंदी में हम लोग जानते हैं पर उसका इंग्लिश हम लोगों को बहुत रेयरली मिलता है और उसको हम देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वोकैबुलरी के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपका पहला जो वर्ड है जिंक्स, और जिंक्स का मतलब होता है मनहूस। मनहूस वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जिनके कहीं जाने पर कोई भी वर्क जो होता है क्या हो जाता है, उसमें अमंगल हो जाता है, अशुभ हो जाता है। ठीक है, अभाग्य, दुर्भाग्य, ये सब इसकी हिंदी समानार्थी शब्द है। उसी तरह इंग्लिश में भी समानार्थी शब्द होते हैं जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। तो जिंक्स कहीं सिनोनिम्स है आपका ओमिनियस, OMINOUS। फिर नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम्स होता है अनलक्की, दुर्भाग्य से, अभाग्य से। ठीक है, UNLUCKY। उसके बाद होता है अनफॉर्चुनेट, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं उसी तरह यहाँ पर अन आपका प्रीफिक्स है, तो इसलिए यहाँ पर अनफॉर्चुनेट नेगेटिव प्रीफिक्स होने के चलते ये दुर्भाग्य हो गया है भाग्य से, तो UNFORTUNATE हो जाएगा। तो इस वर्ड को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, बदमाश। तो बदमाश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोग बदमाश को इंग्लिश में होलीगन्स बोलते हैं। लिखा जाता है होलीगन्स लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है हूलीगन्स। ठीक है, हूलीगन्स का मतलब होता है बदमाश, गुंडा, उपद्रवी लोग। जिसका सिनोनिम्स जो होता है हेक्टर होता है HECTOR, और रोडी होता है, एक मूवी भी था रोडी राठौर, ठीक है, उसे आप लोग देखिएगा जरूर। रिब्स के बाद होता है रिबेलियन, RIBELLION। उसके बाद होता है नेक्स्ट हेक्टर। ठीक है, तीन सारी वर्ड को हम लोग गुंडे की जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, यानी वैसे वर्ग को हम लोग बोलते हैं कंपल्सन, मजबूरी, जिसे हम लोग करना नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी वर्ष। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सन या नेसेसिटी भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ड है आपका जिसको हम बोलते हैं सक्कर। सक्कर का मतलब होता है कामचोर, वैसे लोग जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, अपना काम करने में भी सोचते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश सिनोनिम्स होता है डूडल, गूगल नहीं, डूडल। ठीक है, DOODLE, डूडल मीन्स होता है आलसी। आई होप आपने इसे समझा होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका गुंस। गुंस, गुंस का मतलब होता है गुंडे, यानी वैसे व्यक्ति जो घृणापस आदमी हो या घिनौना भी हो सकता है इसका हिंदी। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो वर्ड है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका ये पेइंग। ठीक है, इसको हम लोग ये पेइंग लिखा गया है और इसका मतलब होता है भौंकना, भौंकना। कुत्ते लोग बार्क करते हैं ना, भौंकते हैं ना, BARK, बार्क मींस होता है भौंकना। इसके भी बहुत सारे साइनोनिम्स हैं, साइनोनिम्स आपके हैं मम, MUMP। ठीक है, गैबल, गैबल का मतलब होता है बुदबुदाना। ठीक है, या मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब भी होता है बुदबुदाना। तो गैबल का मीनिंग होता है GABBLE, और मरमरिंग का होता है MUR, मरमर, उसमें ING वर्ड हम लोग जोड़ करके मरमरिंग बना लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड होता है आपका, ठीक है, इंसेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है आपका इंसेनिटी। ठीक है, इंसेनिटी का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, जिसको हम लोग मैनिया भी बोल सकते हैं, साइकोसिस भी बोलते हैं। मैनिया मतलब कि किसी चीज का मतलब कि लगाव होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा पागलपन होना। ठीक है, उसको मैनिया बोलते हैं। जैसे किसी को कुत्तों से मतलब कि बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो उसको हम लोग साइनोमैनिया बोल देते हैं, तो इसको हम लोग साइकोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, या पारानोआ भी बोलते हैं। ठीक है, पारानोआ मतलब भी होता है पागलपन। पारानोआ का मीनिंग आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, मीनिंग तो होता है आपका पागलपन, लेकिन स्पेलिंग जो होता है इसका पारानोआ का PARANOIA। ठीक है, आई होप इसे समझे होंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आप लोगों का, जिसको हम लोग बोलते हैं माइजर। माइजर मीन्स होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस, माइजर मीन्स होता है कंजूस। इसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जिसमें से आपका मुख्य सिनोनिम्स है स्क्रूज। स्क्रूज मीन्स होता है कंजूस, SCROGE। स्क्रूज मीन्स होता है सिनोनिम्स, इसका होता है कंजूस का। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका जिद्दी। ये होना सभी मनुष्य में होना जरूरी है,
इसके बगैर कुछ काम हुआ है ना होगा, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टबर्न, स्टबर्न। मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टबर्न, ठीक है। इसको इसका भी अलग साइनोनिम्स होता है जिसको हम बोलते हैं कलमेंट, CLAMANT, कलमेंट। कलमेंट का मतलब होता है आपका जिद्दी, पागलपन भी एक तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।